गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक बहुत डिफिकल्ट है। वॉर फ्रेंडली स्टॉक है, गैप डाउन मिल सकता है। स्टॉक का नाम है एचएल, वॉर फ्रेंडली स्टॉक, हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें डिप मिलती है बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। इतना है कि 7-8 दिन से एक साइडवेज मूव है और फ्राइडे का दिन अपमूव मिला। हो सकता है ये अपमूव कायम है, ये तो डेफिनेट है। कहीं तो कहीं ऊपर जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3,500 का है। अगर डिप मिलती है, मार्केट में गिरावट आती है, तो 3,500 के आसपास ही लेना है, वरना नहीं लेना है, छोड़ देना है। फिर मौका मिलेगा, जरूरी नहीं वो आज ट्रेड करना है, ना ट्रेड भी एक ट्रेड है। तो मेरा ध्यान है एचएल पर, टारगेट करीब 3,800 के लगेंगे, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। 3,500 का स्टॉक थोड़ा वाइड रेंज स्टॉक है, वॉर फ्रेंडली स्टॉक एचएल। हाँ, अच्छा, इसको वॉर फ्रेंडली स्टॉक्स कह सकते हैं या फिर गावे सर पीस कीपिंग के लिए भी इसी का इस्तेमाल होता है? अगर है तो लोग डरते हैं, पीस पे विश्वास करने बिल्कुल, लगते हैं। ऑर्डर्स तो और मिलेंगे इस पर, मैटर ऑफ टाइम। आने दीजिए नई गवर्नमेंट को, और ऑर्डर मिलेंगे। अभी अभी मौका मिलेगा तो अभी प्रचार भी शुरू कर देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खरीदना है, 3,500 का स्टॉप है, 3,800 के लक्ष्य हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड कॉल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, डीवीज लैब पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन जो लास्ट सेशन था वहां पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर जो रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए डीवीज लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3724 3724 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 3880 के 3880 के रहेंगे डीवीज लैब पे। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 3800 का कॉल ऑप्शन, 3800 वाला कॉल ऑप्शन जो 55-58 रुपए के आसपास कहीं क्लोजिंग थी, तो उस प्राइस पे मिले तो खरीदारी करिए 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से, और इस ऑप्शन में आप 100 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, दिवीज लैब और फार्मा पे कॉल है दिवीज लैब। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, पूछूंगा इस पे क्रॉस क्वेश्चन। आने से पहले कॉल्स पूरी कर लेते हैं। आशीष, सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन कॉल आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर मार्केट में एक डिक्लाइन मिलती है, गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आई थिंक 22,400 के आसपास एक डिपेंडेबल सपोर्ट है। एंड वहाँ से रिकवरी में आई थिंक निफ्टी आईटी एंड रिलेटेड स्टॉक्स का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स में मुझे लग रहा है एक अच्छे जोन के आसपास एक कंसोलिडेशन हुआ है। 4,000 के आसपास एक डिपेंडेबल बेस है। जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है 4,020 का, मुझे लग रहा है वहां से एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। तो यहाँ पर एक कंडीशनल बाय होगा परसिस्टेंट सिस्टम्स के फ्यूचर्स में, बाय अबाउ 4010। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 3965 का, एंड इंट्राडे का टारगेट हो सकता है 4140 का। ये चर्चा भी हो रही थी अभी, आईटी का इंडेक्स भी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा था आपको कैसे स्टैक अप हो रहा है। अगर गैप डाउन के बाद जब रिकवरी आएगी तो रिकवरी में सबसे बड़ा हाथ हो सकता है आईटी का हो, और उसमें परसिस्टेंट सिस्टम सचिन का सबसे प्रेफर्ड आइडिया। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड कॉल? आशीष जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए आज का दिन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये समझना पड़ेगा कि ये गैप डाउन होने के बाद सस्टेन होता है कि नहीं। तो जो भी मेरा ओपनिंग कॉल रहेगा उसे थोड़ा सा देख के संभल के फिर काम करें। देखिए, जो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया था वो था IRCTC में, 1060 के आसपास का फ्यूचर में क्लोज था, और जो प्राइस पैटर्न था वो था फ्लैग फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट हुआ था विद द गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो 1060 पे 60 का क्लोज है और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीबन 1025 के ट्रेजेक्टरी में होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 15-20 रुपए का गैप डाउन IRCTC में, तो वो जो मिलता है तो फिर हमारा ट्रेड ज्यादा आप कह सकते हैं खूबसूरत बैठेगा। तो 1020-1025 के स्टॉप लॉस के साथ आप IRCTC बाय करें, टू एक स्टॉप लॉस देना तो 1025 रखें। मेरे हिसाब से IRCTC का टारगेट होना चाहिए 1100 से लेके 1120 तक। तो यहां पे गैप डाउन में खरीदी करें IRCTC। ओके, आपका कन्विक्शन कॉल IRCTC। रचना जी, गुड मॉर्निंग, आपका कॉल आज का मैम? जी, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो कॉल रहेगा वो जिंदाल स्टील में रहेगा ऑन द शॉर्ट साइड। मेरा ये मानना है पिछले हफ्ते मेटल्स ने काफी ठीक ठाक किया था, पर इस हफ्ते इसमें मेटल्स में लूज सम शीन। तो मुझे ये लग रहा है कि 900 के नीचे अगर जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स जाएंगे तो यहाँ पे फर्दर गिरा
गिरावट आ सकती है जो एग्रेवेट हो सकती है, और इसीलिए हम इसको शॉर्ट करेंगे, 900 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। 900 के नीचे शॉर्ट करके इसमें 908 का एसएल लगाएंगे, और डाउनसाइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 885 और सेकंड टारगेट होगा 875। ठीक, मेटल्स की भाई चमक इस हफ्ते हो सकता है फीकी पड़े। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड बेचने के मौके। बहिती साहब, गुड मॉर्निंग बहिती साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आई थिंक थोड़ा सा नॉन फेरस मेटल साइड में शायद अभी भी थोड़ा स्टीम बाकी है, और अभी भी यहाँ पे सेटअप अच्छा बना हुआ है, तो हिंद कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस आपका सेटअप बना हुआ 52 वीक हाई पे स्टॉक चल रहा है, और इन लेवल्स पे भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इसमें कंटिन्यूअसली दिख रहा है, तो खरीदारी की सलाह है हिंद कॉपर में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 356 का एक एसएल मेंटेन करे, 369 के फर्स्ट टारगेट एंड 373 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, हिंद कॉपर यहाँ पे 362.40 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं आज की फंडामेंटल कॉल पे। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। इस वीकेंड पूरा विश्व आई थिंक एक दुविधा में था, आपका सेंस क्या बन रहा है? ये क्या, थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा, क्या ये थोड़ा सा और एस्केलेट होगा? प्राइस मूवमेंट आप बाजार में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपका कन्विक्शन ट्रेड आज का? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। तो एक्सपेक्टेशन तो थी कोई कुछ रिटेलिएशन होगा, और जिस हिसाब से आई थिंक अब घटनाएं घटेंगी, आई थिंक दैट इज वेयर आई थिंक द मार्केट्स विल रिएक्ट। अगर एस्केलेशन बहुत ज्यादा होता नहीं है स्पेसिफिकली इसराइल के साइड से, तो शायद मार्केट्स में जो गिरावट है या जो वॉलेटिलिटी, ये शायद कम सकती है, बट डेफिनेटली आई थिंक मार्केट्स अगले कुछ दिनों तक वॉलेटाइल रहेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है आई थिंक फार्मा ऑब्वियसली कम्स आउट एज अ वेरी वेरी डिफेंसिव बेट, और यहाँ पे आई थिंक जो हमारे पहले के पिक्स थे, जैसे हमने कहा सैंड रेड्डीज, वी कंटिन्यू टू कैरी दैट इन आर पोर्टफोलियोज। बट अगर कोई स्टॉक गिरावट पे मिलता है, अगर पुल बैक्स देता है, स्टॉक लाइक स्ट्राइड्स फार्मा एज एन एग्जाम्पल, इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। दो तीन चीजें आई थिंक इनका जो एक प्रोडक्ट बेस है, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो सकते हैं वो यूएस मार्केट में हो या जगभर में हो, आई थिंक वो अच्छे खासे हो सकते हैं। दूसरा आई थिंक जो एक कॉस्ट एफिशिएंसी की तरफ मैनेजमेंट बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग अंडर रिकवरीज है ये अच्छी खासी कम होंगी, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग कॉस्ट वहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। और आई थिंक ये दोनों का अगर आप एक मिश्रण देखेंगे कि प्रोडक्ट लॉन्चेस विद गुड मार्जिन्स, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ बेटर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट आल्सो लीडिंग टू बेटर मार्जिन्स, इससे आई थिंक जो एक मैनेजमेंट की ऑप्टिमिज्म है अगले वर्ष के लिए, रेवेन्यू ग्रोथ वो देख रहे हैं 15% के ऊपर, ईबिटा ग्रोथ इनफैक्ट 30% के ऊपर देख रहे हैं, उन्होंने जो आंकड़ा दिया है 750 करोड़ के ऊपर का दिया है अगले वर्ष के लिए, जो उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल था 140 दिनों का, दे वांट टू ब्रिंग इट डाउन बाय ऑलमोस्ट 20 odd days, और जो नेट डेट टू ईबिटा है जो 3 times पे है अभी, उसको 2 times के नीचे लाना है उनको एक वर्ष के अंदर, विच विल लीड टू ROCE इज मूविंग अबाउट 20 odd%। तो हमें लगता है आई थिंक लुकिंग एट हाउ नंबर्स हैव बीन सो फार, एक्सपेक्टेशन जो मैनेजमेंट बिल्ट इन कर रही है अगले वर्ष के लिए, ये काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रही है, और अगर ये वॉक द टॉक करते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक ये एक अच्छी बेट हो सकती है, तो ये स्टॉक जरूर आपके पास।